गेट टुगेदर से तंग आ गया। और मैं तुम्हारे रोज रोज के तानों से तंग आ गई। तुम भूल गए मैं भी जीती जागती इंसान हूँ, खुश होने का हक मेरा भी है। तुम्हें मैंने डे वन कह दिया था मैं ट्रॉफी वाइफ नहीं बनूंगी जो सुबह से लेकर रात तक अपने शौहर का इंतजार करती। इंतजार तो तुमने उस रात भी नहीं किया था जिस रात औरतें इंतजार करती हैं। ओह गॉड, कब तक ताने दोगे शादी की रात के? प्लीज, तंग आ गई हूँ मैं। तंग आ गई हो तो फिर हम दोनों एक साथ में क्यों हैं? हम साथ हैं। You're so funny, कामरान। शांसे, कहीं जा रही हो बेटा? Yes, Dad. अरे ऐसे कैसे, इधर आओ ना। अरे ना कोई हेलो हाय, ना सलाम दुआ, ना कोई बात बात, ऐसे घरों की तरह तुम कैसे निकल के जा रही हो? इधर आओ। ऐसे ये तो तुम्हारा कसूर है, हमारी बिजनेस की मसरूफियात इतनी ज्यादा होती है। तो तुम तो जैसे हर वक्त उसके कंधे के साथ कंधा मिला के बैठी रहती हो ना। तुम्हें पता है मैं इंडिपेंडेंट औरत हूँ, तुम हमेशा इस तरह के लेक्चर्स क्यों देना शुरू कर देते हो मुझे? May I go, please? अब थोड़ी देर हमारे साथ बैठ के बातें बातें करो ना। मुझे देर हो रही है डैड, आप लोग बातें करें। Have fun. अच्छा तुम्हारा मिडिल क्लास एटीट्यूड है ना, उसकी वजह से वो हमारे साथ टाइम स्पेंड नहीं करती। गॉड सेक, निकल आओ इस खुशफहमी से। वो हम दोनों से नाला है, वो हम दोनों के साथ ही नहीं बैठना चाहती क्योंकि हम दोनों उसको टाइम ही नहीं देते। मैं तो यही होती हूँ, तुम जाते हो अपने लंबे लंबे बिजनेस टूर्स पे। यही होने में और टाइम देने में बहुत फर्क होता है। वो यहाँ कौन सा घर पे पूरा दिन गुजारती है, सारा वक्त वो अपनी बेस्ट फ्रेंड रमला के साथ होती है। अच्छा खैर, ये बताओ कि वो फात के बारे में बात की है तुमने कि नहीं? की थी, रिजेक्ट कर दिया। समझ नहीं आती ये चाहती क्या है, ते अच्छे अच्छे प्रपोजल्स को रिजेक्ट कर रही है। फहाद के टाइम तो मुझे लगा था कि डेफिनेटली एक्सेप्ट कर लेगी। तुमने इसरार ही नहीं किया होगा, तुम तो बड़ा मुझे कहती थी कि फहाद बहुत अच्छा मैच है उसके साथ। हाँ मैं अभी भी यही सोचती हूँ, लेकिन तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी की मालिक है। तुम्हारी तरह हाय, मैं भी तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। रियली? हाँ क्यों, मैं तो लेट नहीं हुई? आज शॉपिंग का प्लान कैंसिल करना पड़ेगा। व्हाट, व्हाई? चलो मेरे साथ, वरना मैं तुम्हें उठा के ले जाऊंगी। आर यू थ्रेटनिंग मी? ऑफ कोर्स नॉट, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, चलो प्लीज। प्लीज मान जाओ, किसी और दिन चले जाएंगे ना। हम आज ही जाएंगे, अंडरस्टैंड? ठीक है तो फिर तुम अकेली चली जाओ। ठीक है रमला हैदर, आज से शांजे कामरान जहां भी जाएगी अकेली ही जाएगी। आई डोंट नीड एनीवन। अब क्या हो गया, हर वक्त अपना मूड खराब करने के लिए बस तैयार रहती हो, कोई वजह है ना? तभी तो कह रही हूँ। ओह तो ये है वजह। हाँ फाइक की कॉल आई थी, उसके साथ जाना है। फाइक, ये शांसे है, माय बेस्ट बडी। एंड शांसे, ये फाइक हैं आपके डैड के बहुत लाडले भतीजे। रमला, मैं अंकल को हेलो करके आता हूँ। हाँ, श्योर। चीज़ में। फाइक कैसा लगा तुम्हें? जैसे सब लड़के होते हैं, लड़कियों के सामने खुद को डिसेंट और सोबर साबित करते हैं, बिल्कुल वैसा। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। एनीवेज, आंटी मुझे बता रही थी कि तुमने फहद के लिए भी इनकार कर दिया। मुझे तो ये बात समझ नहीं आती कि जैसा लड़का तुम्हें चाहिए वो इस दुनिया में मिल जाएगा तुम्हें? मिलेगा जरूर, जिसे मेरी खूबसूरती और दौलत से कोई गर्ज नहीं होगा और जिस मोहब्बत की तुम बात करती हो ना, मुझे अवेयर कर देगा उससे। आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए, मुझे बर्दाश्त करना अब तुम्हारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। एंड डोंट वरी, हम कल चलेंगे मूवी देखने के लिए। ओके ग्रेट, बाय बाय। Thank you.
अभी शादी की थी। ओह थैंक्स। इट्स ओके। एक्सक्यूज मी, आप दिन में कितनी लड़कियों को उनकी गिरवी चीजें उठाकर देते हैं? क्या सोचने लगे? सोच रहा हूँ कि आप दिन में लड़कों को देख के कितनी बार अपनी चीजें इसी तरह गिराती फिरती। बड़ी खुशफहमी है आप। चलिए खुशफहमी ही सही, आपकी तरह गलतफहमी तो नहीं है ना। शांजे तुम घर पे हो? मुझे पता था मैं तुम्हें आंटी जोजो के ले जाती, यू वुड हैव हैड फन। मॉम यू नो आपको पता है मैं इस तरह की गैदरिंग्स में बिल्कुल एंजॉय नहीं करती, यू नो मी वेरी वेल। हां जानती हूं, बुड्ढी रूह है तुम में। मिसेस नवाज तुम्हारा पूछ रही थी, अपने बेटे से मिलवाया असजद, वेरी चार्मिंग बॉय। सो व्हाट, आई थिंक शी इज इंटरेस्टेड इन यू फॉर असजद। असजद कोई मामूली लड़का नहीं है, ही इज वेरी हाईली एजुकेटेड, ही इज गुड लुकिंग और अपने डैड के बिजनेस एम्पायर का इकलौता वारिस है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोगों को अपने बच्चों के लिए लाइफ पार्टनर्स नहीं बल्कि घर में रखने के लिए कोई कीमती शोपीस चाहिए। That's not true. That is mom. वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ, कैसा रहा वलीमा फहीम का? बहुत अच्छा रहा, आपको सलाम कह रहा था, आपका पैगाम पहुंचा दिया था मैंने उसको। अच्छा तुम इधर तो आओ जरा मेरे पास, बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, मैं जरा नजर तो उतारूं अपने बेटे की। तुम बगैर मुझसे मिले चले गए, तैयार होके निकल गए, मैंने देखा ही नहीं। हाँ वो आपके पास पड़ोस वाली आपा बैठी थी ना, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं समझा, वैसे भी फहीम के लिए तोहफा भी खरीदना था इसलिए जल्दी चला गया। अच्छा माशाल्लाह मेरा भाई कितना प्यारा लग रहा है, बताए तुम जब भी ये सूट पहन के बाहर जाते हो ना तो मैं तुम्हारे लिए दुआएं करती हूँ कि खैर खैरियत से घर वापस आओ। इसीलिए एक से ज्यादा सूट नहीं बनाता कि तुम लोग ज्यादा परेशान ना हो। अबे भाई अब तो ले लो, और अरे हर दोस्त की शादी में यही पहन के निकल जाते, मजाक नहीं उड़ाते आपका कोई? चलो मेरे दोस्त तेरे दोस्तों की तरह नहीं है, सबको पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से ग्रेजुएशन पे एक सूट बनाया था, याद है ना? और क्या बिला वजह की फजूल खर्ची है, सूट बना बना के टांग दो चाहे पहनो भी ना। और क्या, अब इंशाल्लाह अल्लाह वो वक्त लाए जब मेरे बच्चे की शादी होगी, फिर एक सूट बारात का और एक वलीमे का जबरदस्त किस्म। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं किधर गया, मेरे लिए कौन बनवाएगा, मैं भी तो हूँ, एक इनका और एक मेरा। लो भाई अभी शहर बसा नहीं और चक्के पहले से पहुंच गए। आप तो रहने ही दो, आपकी शादी पर भी बनवाने थे लेकिन आपकी शादी के दूर दूर तक आसार नजर नहीं आ रहे मुझे। ऐसा ज्यादा ओवर ना, चेंज कर लूं, जॉब पे भी जाना है। रहने देते, सारा दिन तो गुजर गया है। नहीं यार लेट शिफ्ट लगा लूंगा, देर हो रही है ऑलरेडी, ये जल्दी से चार्ज पे लगाओ, उसकी बैटरी मर रही है। अरे छोड़ दे इस टीचर फोन का पीछा, अरे आपकी पर्सनैलिटी देख के लगता नहीं है 15,000 रुपए का मोबाइल होगा। 15,000 का नहीं है ये। कितनी दफा तुम्हें मना किया है कि भाई से ऐसे बात मत किया करो। अरे अम्मी रहने दे, इसकी बात को सीरियस लेता कौन है, छोटा है, बड़ा होगा तो समझ जाएगा कि फजूल खर्ची कितनी बुरी चीज है। और ये क्या है, कब बड़े हो गए तुम, हर जगह अपनी चीजें फेंक देते हो, संभालेगा कौन? ना नहाना छोड़ दे इधर अब। भाभी कहे अस्सलाम वालेकुम।
कैसी तबीयत है तुम्हारी? अब तो बहुत बेहतर हूँ। ख्याल रखा करो अपना, क्यों इतना बीपी बढ़ा लेती हो? शौक से थोड़ी ना बढ़ा लेती हूँ, और दवा भी मुस्तकिल ले रही हूँ, परहेज भी चल रहा है। अब शक सजीला से पूछ लें। जानती हूँ बहुत ख्याल रखती है तुम्हारा, अल्लाह उससे खुश रखे। तबीयत थोड़ी बेहतर होगी तो फिर आपके घर चक्कर लगाऊंगी। बच्चों को मेरा बहुत प्यार और दुआ कहिएगा। अल्लाह हाफिज। चलो खुदा हाफिज। खुदा। कह रही है अब तबीयत बेहतर है। अम्मी आप शानी को कह देती, वो आपको बाइक पे जाके छोड़ के आ जाता। अच्छा रहने दो ये बात, वहाँ का ज्यादा जिक्र करेंगे ना तो उसका ध्यान भी वहीं अटका रहेगा। अगर आप जिक्र ना भी करें ना अम्मी, तब भी उसका ध्यान वहीं लगा रहेगा। वो मोहब्बत करता है सचीला से। जवान बहन घर में बैठी हो तो भाई मोहब्बतें नहीं पालते, वो अच्छी तरह समझता है इस बात को। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत है? हाँ फरजाना का फोन था, बीपी बढ़ गया था, वैसे अब ठीक है। चलिए मैं जाते हुए उनको पूछता जाऊंगा। अच्छा चलता हूँ, ऑफिस। खुदा हाफिज। देखिए एराम-ए-जुनून।